खबरें खबरें खबरें, वेट बहुत हो चुकी खबरें, कुछ मनोरंजक हो जाए, खबरें ही देखेंगे पर बॉलीवुड स्टाइल में। जी हाँ, नमस्कार, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं खबर बॉलीवुड, जहां हम देखेंगे मनोरंजन जगत की पांच बड़ी खबरें। तो नजर डालते हैं आज की बॉलीवुड अपडेट्स पर, जहां हम देखेंगे कि अभिषेक बच्चन की अपकमिंग फिल्म घूमर का ट्रेलर हुआ है रिलीज। इसके अलावा ओ माय गॉड 2 को मिले ए सर्टिफिकेट ने बढ़ाई है मुसीबत। मनोरंजन जगत में सुबह से और क्या क्या रहा खास, चलिए बिना देरी किए फटाफट डालते हैं नजर बॉलीवुड टॉप 5 पर। जिंदगी को लेकर नजरिया बदल देगी आर बाल्की की घूमर, क्योंकि दमदार है अभिषेक बच्चन की फिल्म का ट्रेलर। अभिषेक बच्चन की अपकमिंग फिल्म घूमर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, लेकिन लीग से थोड़ी हटकर है। घूमर में अभिषेक बच्चन भी अपनी अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। घूमर का कुछ मिनटों का ट्रेलर फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बढ़ाने वाला है। घूमर में अभिषेक बच्चन के साथ ही सयामी खेर लीड रोल में है। घूमर में अभिषेक बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन भी नजर आएंगे। फिल्म के ट्रेलर में उनकी भी झलक देखने को मिल रही है। अब उनका घूमर में कैमियो है या फिर वो स्पोर्टिंग रोल में है, ये तो रिलीज के साथ ही पता चलेगा। घूमर की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में अभिषेक बच्चन और सयामी खेर के साथ साथ शबाना आजमी और अगन बेदी भी अहम किरदारों में है। फिल्म का डायरेक्शन आर बाल्की ने किया है, जो चीनी कम पाव और बैटमैन जैसी सुपरहिट फिल्म में बनाने के लिए जाने जाते हैं। घूमर की रिलीज की बात करें तो ये 18 अगस्त 2023 को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। ओ माय गॉड 2 को मिले ए सर्टिफिकेट ने बढ़ाई मुसीबत, क्या महाकाल मंदिर के पुजारी जाएंगे कोर्ट। ओ माय गॉड 2 का ट्रेलर फाइनली ऑडियंस के सामने आ चुका है। शिव के दूध बने अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी दोनों के ही किरदार को दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि सेंसर बोर्ड की तरफ से मिले ए सर्टिफिकेट फिल्म के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है। उज्जैन महाकाल मंदिर के पुजारियों ने फिल्म का कड़ा विरोध किया है। हालांकि सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म के सीन्स और डायलॉग्स में कई बदलाव बताए गए थे, जो मेकर्स ने कर भी दिए हैं। हालांकि ओ माय गॉड 2 के लिए ए सर्टिफिकेट एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि महाकाल मंदिर के पुजारी और संत अक्षय कुमार की फिल्म का लगातार विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मेकर्स को ये भी चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। टास्क हारने पर भावुक हुई पूजा भट्ट ने अभिषेक मल्हान की चालाकी की खोली पोल। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में हाल ही में टिकट टू फिनाले टास्क कराया गया, जहां सभी कंटेस्टेंट ने टास्क जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन अभिषेक मल्हान बाजी मार ले गए। वहीं पूजा भट्ट और उनकी टीम हार गई। वहीं अब एक्ट्रेस टास्क को लेकर बात की और इस दौरान उन्होंने अभिषेक की चालाकी के बारे में खुलासा किया। बिग बॉस ओटीटी 2 के टिकट टू फिनाले राउंड के दौरान पूजा भट्ट और अभिषेक मल्हान का मुकाबला चल रहा था, लेकिन बाजी अभिषेक मल्हान ने मार ली। वहीं अब एक्ट्रेस ने टास्क हारने पर रिएक्ट किया है। अपने हार पर बात करते हुए पूजा इमोशनल हो गई और टास्क के दौरान अभिषेक की चालाकी भी बताई। बिग बॉस ओटीटी 2 ने अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो शेयर किया, जिसमें पूजा भट्ट गार्डन एरिया में बेबिका धुर्वे, अविनाश सचदेव और जैद हदीद के साथ बात करते हुए नजर आ रही है। टिकट टू फिनाले टास्क के बारे में चर्चा करते हुए पूजा ने अभिषेक को लेकर कहा कि उसको पता लगा होगा कैसे, खुद की टोकरी से, क्योंकि वो घुस गया था अंदर और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये उसका पैटर्न है पिछले 6 हफ्तों से। बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की हालत देख परेशान हुए राकेश रोशन, ऋतिक रोशन की क्रिश 4 को लेकर लिया ये बड़ा फैसला। ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 4 को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है। हालांकि अब बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की लगातार असफलता को देखते हुए राकेश रोशन ने अपनी चिंता व्यक्त की है और साथ ही बताया कि क्रिश की शूटिंग शुरू करने का फिलहाल उनका कोई भी इस साल विचार नहीं है। हालांकि इन सबके बीच फैंस ये जानने के लिए बेहद उत्सुक है कि उनकी सुपर हीरो की फिल्म क्रिश की चौथी इंस्टॉलमेंट कब आ रही है।
ऋतिक रोशन ने ये कंफर्म किया था कि फिल्म क्रिश 4 की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी, लेकिन अब उनके पिता राकेश रोशन ने बॉक्स ऑफिस की हालत को देखते हुए क्रिश 4 को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राकेश रोशन की क्रिश बॉलीवुड के सुपरहिट फ्रेंचाइजी में से एक है। अब हाल ही में हुए एक्ट और निर्देशक राकेश रोशन ने कहा कि अब क्या हो रहा है कि ऑडियंस थिएटर में वापस ही नहीं आ रही है, ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्रिश एक बहुत ही बड़ी फिल्म होने वाली है, दुनिया बहुत छोटी हो गई है और बच्चे आज के समय में हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म को देखने के आदि हो गए हैं। ऐसे में हम फिलहाल कुछ नहीं सोच रहे हैं, ये फिल्म जरूर बनेगी लेकिन इस साल बिल्कुल नहीं। जूही चावला संग स्क्रीन शेयर करेंगे बाबिल खान, उनकी नई फिल्म का टीजर हुआ रिलीज। बाबिल खान की नई फिल्म फ्राइडे नाइट प्लान है। इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स लेकर आ रहा है। फिल्म में बाबिल के साथ जूही चावला भी है। शुक्रवार को फ्राइडे नाइट प्लान का टीजर रिलीज किया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिल्म 1 सितंबर को रिलीज की जाएगी। फ्राइडे नाइट प्लान में जूही चावला और बाबिल खान माँ और बेटे के किरदार में नजर आएंगे। इनके साथ ही फिल्म में अमृत जयान भी शामिल है जो बाबिल के भाई का किरदार निभा रहे हैं। टीजर में जूही चावला अपने दोनों बेटों से बात कर रही है। एक्ट्रेस कह रही है कि वो पूरे जा रही है और हो सकता है उन्हें एक रात बाहर ही रहना पड़े, तो क्या दोनों बेटे एक दिन घर में अकेले मैनेज कर लेंगे। इसके बाद टीजर में बाबिल खान और उनके भाई घर में पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं। वही बाबिल नाइट आउट करते, पार्टी में जमकर डांस और अपने स्कूल की लड़कियों से फ्लर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। बाबिल खान का नया प्रोजेक्ट फिल्म फ्राइडे नाइट प्लान है। फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से लेकर आ रहा है। शुक्रवार को फ्राइडे नाइट प्लान का टीजर रिलीज किया गया जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये थी आज की दमदार बॉलीवुड की टॉप 5 खबरें। ऐसे ही रोजाना बॉलीवुड से जुड़ी मनोरंजक खबरें देखने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। तब तक कहीं जाइएगा मत, अन्य खबरों के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।